सर हमारा ये जो VCM है और जो ऑफसेट वोल्टेज था वो दोनों डिफरेंट चीज है ना दोनों? हाँ हाँ दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीजें, वो अलग बात है, दोनों का इफेक्ट काफी हद तक सिमिलर है, दोनों ही अनवांटेड सिचुएशन है हमारे लिए, ठीक, लेकिन दोनों की डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। VCM तब काम करना शुरू करता है जब दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज इक्वल अप्लाई हो, और ऑफसेट वोल्टेज तब हम उसी आउटपुट वोल्टेज को ऑफसेट वोल्टेज तब बोलते हैं जब दोनों इनपुट जीरो हो, इक्वल भी हो और जीरो भी हो, है ना? यस सही। अच्छा आप समझते हैं, ठीक है, तो हाँ बिल्कुल ठीक है, जो जिन जिन लोगों ने कहा कि वो माइक्रोफोन के लिए बिल्कुल ठीक बात है। अब सोचो उस माइक्रोफोन से, ठीक है, तुम्हारी वॉइस भी जा रही होगी एट इनपुट, प्लस नॉइस भी जा रही होगी, तुम जो बोल रहे हो वो भी जा रहा होगा उसी माइक्रोफोन से, और नॉइस भी जा रही होगी, ठीक है ना? अब हम यस यहाँ सर। पे कुछ ऐसा करें कि एक और होल प्रोवाइड करके या एक और इनपुट प्रोवाइड करें किसी तरीके से, और उस दूसरे इनपुट पे केवल नॉइस जा रही, तभी ध्यान से यस देखना सर। कि तुम्हारे फोन का जो ऊपर वाला साइड होता है, मीनिंग जिधर साइड पे तुम्हारा कैमरा रहता है, ऊपर वाली साइड में सर ध्यान से नॉइज देखो, कुछ कैंसलेशन के लिए फोन्स में होता है एक अलग से होल सर। दिया होता है, एक एक्स्ट्रा होल भी होता है, यस अब सर होता उसकी वर्किंग क्या है। है यस सर। कि देखो जो तुम्हारा नीचे वाला माइक्रोफोन है उससे तुम्हारी आवाज भी जा रही है और आसपास की नॉइस भी जा रही है, ठीक, और ऊपर वाला जो होल है उससे केवल और केवल नॉइस जा रही है, तुम्हारी तुम्हारी आवाज भी जा रही होगी हो सकता है, लेकिन उसका जो परसेंटेज होगा वो यहाँ पे कम होगा जबकि यहाँ पे ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्टली तुम्हारे ये तुम्हारा एकदम एग्जैक्टली ये वाला होल तुम्हारे मुंह के एकदम पास में होता है, तो अब सोचो अगर यहाँ पे इस तरह का एक ऑपएम्प हो जिसका एसीएम जीरो हो, तो जब हम यहाँ पे आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वी नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, एडी इंटू वॉइस को हम वी से लिख रहे हैं, नॉइस को एन से लिख रहे हैं, वी प्लस एन माइनस एन प्लस एसीएम, वी प्लस एन अपॉन टू। अब सोचो ये एन और ये एन कैंसिल हो गया, तो इस पार्ट में क्या तुम्हें नॉइस का इफेक्ट दिख रहा है? नो नहीं, सर नो सर। आपस में कैंसिल आउट हो जा रहा है। अगर ये एसीएम जीरो होता इधर साइड से भी नॉइस का इफेक्ट खत्म हो जाता, यानी यस जो अंदर जो हमारे फोन के अंदर जो एम्पलीफायर लगा है वो केवल और केवल मेरी वॉइस को ही एम्पलीफाई करता, लेकिन अगर ये एसीएम जीरो नहीं होगा तो वॉइस के साथ साथ ये नॉइस को भी एम्पलीफाई करेगा और तुम्हें दूसरी साइड पे जिसको भी तुमको जो भी बात बता रहे हो वो नॉइस के साथ सुनाई देगी, ठीक, तभी कहते हैं ना जितना महंगा फोन लो उतना उतनी अच्छी वॉइस क्वालिटी होती है, या जो कुछ फोन जो अच्छी टेक्नोलॉजी के होते हैं उनकी उनकी वॉइस क्वालिटी क्रिस्टल क्लियर होती है, काफी अच्छी होती है, क्यों हो पाती है, क्योंकि वो लोग इस चीज का ध्यान रखते हैं, वो लोग अपने एसीएम को जितना कम हो सके उतना रखते हैं। तो एसीएम डिपेंड किस पे करता एसीएम बेटा डिपेंड करता है जो तुम्हारा ये जो तुमने आईसी डिजाइन की ना, आईसी का फैब्रिकेशन जो हुआ, उस फैब्रिकेशन के टाइम पे कितनी ज्यादा एक्यूरेसी रखी गई है चीजों में, उस चीज पे डिपेंड करता है, मैन्युफैक्चरिंग कितने अच्छे से हुई है, ठीक है, जो है? मटेरियल है, जो भी मटेरियल यूज किया गया है उनसे जो हम उनकी प्रॉपर्टी चाह रहे थे वो वही प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इन सारी चीजों पे तुम्हारी डिपेंड करती है एसीएम की वैल्यू, यस सर। क्लियर? चलो अब आते हैं, देखो हमने आइडियल ऑपएम्प की सिचुएशन देखी, प्रॉपर्टीज देखी, अब थोड़ा सा इसका कंपैरिजन प्रैक्टिकल ऑपएम्प से करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ऑपएम्प। पहला क्या था भाई, पहली प्रॉपर्टी थी गेन जो होगा
ओपन लूप गेन, वहां पे क्या था इन्फिनिटी था, तो यहां पे ओपन लूप गेन हाई होगा, और वो हाई कितना होगा अप्रॉक्स 10 to the power 6, ठीक, वो हाई क्या होगा 10 to the power 6। नेक्स्ट क्या था, इनपुट रेजिस्टेंस वहां पे इंफिनिटी होता था, तो यहां पे हाई इनपुट रेजिस्टेंस होगा, और वो हाई इनपुट रेजिस्टेंस 1 mega ohm से लेके 2 mega ohm के आसपास तक हो सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी, इन आउटपुट रेजिस्टेंस 0 होता था, तो 0 तो नहीं हो सकता लेकिन लो आउटपुट रेजिस्टेंस, और वो लो आउटपुट रेजिस्टेंस कितना होगा 50 ओम से लेके 100 ओम के बीच, ठीक। अच्छा, ए नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी कि भाई ऑफसेट वोल्टेज वहां पे 0 था, लेकिन यहाँ पे क्या है सर? हाँ सर ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ प्रैक्टिकल ऑप एम्प में पहला पॉइंट है, ओपन लूप गेन इज हाई है ना, इज हाँ बेटा, इसको इज हाई, नॉन जीरो ऑफसेट वोल्टेज होगा, है ना, इसका आउटपुट वोल्टेज क्या होगा नॉन जीरो होगा, ऑफसेट आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज नॉन जीरो होगा। नेक्स्ट पॉइंट हमने पढ़ा था कि भाई बैंडविड्थ जो वहां पे थी वो इनफाइनाइट होती है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल सिचुएशन में इनफाइनाइट बैंडविड्थ प्रोवाइड कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, ठीक। इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो 5 hertz होती है। बैंडविड्थ 5 hertz होती का मीनिंग क्या है, पहला पॉइंट हमने ओपैम्प की बैंडविड्थ क्या समझी थी कि वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसको जिस उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी के सिग्नल, ठीक, जिसको ओपैम प्रॉपरली एम्पलीफाई कर सके। बैंडविड्थ क्या होगी, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट दैट आर That are amplified by op-amp without attenuation. ये डेफिनेशन हमने देखी थी बैंडविथ के केस में। अब हम यहां कह रहे हैं कि 5 hertz है बैंडविथ, इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि 0 to 5 hertz तक ही फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल को ही एम्पलीफाई कर सकता है, नहीं, हो सकता है एक ऑपएम्प डिजाइन किया गया जो 100 to 105 इस फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को एम्पलीफाई कर रहा है, मीनिंग 100 hertz to 105 hertz तक के जो सिग्नल्स है उनको एम्पलीफाई कर रहा है, या हो सकता है 10 to 15 hertz तक के फ्रीक्वेंसी रेंज को एम्पलीफाई कर रहा हूँ, ठीक। तो बैंडविड्थ का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, नहीं, वो रेंज है, यानी इनिशियल और फाइनल फ्रीक्वेंसी के बीच का डिफरेंस है बैंडविड्थ। लो फ्रीक्वेंसी जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको वो एम्पलीफाई कर सकता है, और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी जिसको वो एम्पलीफाई कर सकता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है बैंडविड्थ, ठीक। अगर इसको हम ग्राफिकली बनाएं तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगी, फ्रीक्वेंसी और गेन के बीच में अगर हम कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करें और हम कहें F1 जो है वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको वो एम्पलीफाई कर सकता है प्रॉपरली, और F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है जिसको वो एम्पलीफाई कर सकता है, और F2 minus F1 कितना होगा 5 hertz, ठीक। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को वो इजिली एम्पलीफाई कर सकता है, लेट्स से गेन उसने A प्रोवाइड किया विदाउट एनी एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन का सिंपल मीनिंग क्या है कि भाई एम्पलीफिकेशन इंक्रीज करना, एटीन्यूएशन मतलब कहीं ना कहीं उसके जो एम्पलीट्यूड है उसको डिक्रीज करना या एटीन्यूएट करना। तो इस फ्रीक्वेंसी रेंज को तो इजिली एम्पलीफाई कर पा रहा है, लेकिन इससे F1 से लोअर जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं कर पा रहा होगा, मीनिंग वहां पे गेन कुछ डिक्रीज करता हुआ हमें दिखाई देगा,
इसी तरह से F2 से जो ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल होंगे उनको भी प्रॉपरली एम्पलीफाई नहीं कर रहा होगा, यानी उसका गेन उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी F2 से आगे गेन जो होगा वो डिक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। ठीक, ये कर्व कहलाता है फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑफ ऑप एम्प, फ्रीक्वेंसी कर्व ऑफ ऑप एम्प या फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ ऑप एम्प। कई बार इस पे क्वेश्चन आया हुआ है कि गेन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व ड्रॉ करो, प्रैक्टिकल ऑप एम्प के केस में गेन ऑफ फ्रीक्वेंसी के बीच में कर्व ड्रॉ करो। इस बैंडविड्थ वाले केस में किसी को कोई दिक्कत, कोई डाउट? नो सर। ठीक, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो क्या थी कि भाई स्लीव रेट वहां पे क्या होता था, हाई हो सॉरी इनफाइनाइट होता था। ठीक, यहाँ के केस में स्लीव रेट इनफाइनाइट तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ 0.5 से लेके 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हो सकता है। 0.5, जस्ट अ सेकेंड, जीरो पॉइंट फाइव वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड से लेके 1 वोल्ट पर माइक्रो सेकेंड हो सकता है। मीनिंग इस रेंज के बीच में अगर इनपुट वेरी करेगा तब तो आउटपुट प्रॉपर मिलेगा, अगर इसके ऊपर वेरिएशन किया या इसके नीचे वेरिएशन किया तो फिर आउटपुट प्रॉपर नहीं मिलेगा। CMRR हमने क्या पढ़ा था? CMRR वहां पे क्या था? इंफिनिटी था। यहां पे CMRR अप्रोक्स 10^6 के बराबर होता है। ठीक, CMRR अप्रोक्स 10^6 के बराबर होता है। Now, एक चीज यहाँ पे और समझना, थोड़ा सा पीछे आते हैं। CMRR पे जो न्यूमेरिकल आते हैं उसमें कई बार या तो CMRR डेसिबल में दिया होता है या आंसर वो पूछ रहा होता है कि भाई CMRR फाइंड आउट करो डेसिबल में। तो इसको अगर तुम्हें डेसिबल में रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी ये वैल्यू है इसको 20 लॉग उसका ले लेंगे, मीनिंग AD/ACM की जो वैल्यू आई उसका पहले लॉगरिथम लेंगे, 10 बेस लॉग लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। ये क्या हो जाएगा? CMRR इन dB। ठीक, जहां पे भी अभी CMRR लिखा था वहां पे इसको भी एड ऑन कर लेना। अभी जब न्यूमेरिकल करेंगे स्लीव रेट और सीएमआरआर के जब अभी न्यूमेरिकल करेंगे तब इसको हम लोग देखेंगे कि इसका यूज क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लीव रेट है वो 10^6 या 120 dB होता है। चाहो तो इसको देख सकते हो, देखो कैसे आया 120, 20 log 10 10^6। अब log 10 ऑफ 10^6 को क्या कर सकते हो, 20 multiply by 6 log 10 base of 10। log 10 is equal to क्या होता है, 1। यस सर, आठ हो जाएगा 1। यस सर, आ जाएगा 120। क्लियर? दो प्रॉपर्टीज हमने हमने इनपुट ऑफसेट वोल्टेज देखा, आउटपुट ऑफसेट वोल्टेज देखा। ठीक, और साथ में हमने ये भी कहा कि अगर ये एक ऑप एम्प है
और उसकी इनपुट करंट हमने कहा है हमेशा जीरो होगी, इनपुट करंट जो होगी वो जीरो होगी। ये इनपुट करंट क्यों जीरो हुई, क्योंकि आइडियल सिचुएशन में हमने अज्यूम किया था कि इनपुट रेजिस्टेंस जो आर आई है वो इन्फिनिटी है, आर आई जो है वो इन्फिनिटी है, ठीक। बट प्रैक्टिकली क्या आर आई इन्फिनिटी था? नो सर, नो सर, दैट आई मीन्स था। प्रैक्टिकली यहां पे कुछ ना कुछ करंट फ्लो हो सकती है। यहां अगर जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे करंट लेस से हमने कहा आई बी वन जा रही है, और जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है उस पे हम कह सकते हैं आई बी टू करंट जा रही है। ये क्यों जा रहा है? प्रैक्टिकल सिचुएशन की वजह से। यहाँ आई बी टू जा रही है और यहाँ आई बी वन जा रही है। इन दोनों करंट्स का अगर तुम डिफरेंस फाइंड आउट करो, यानी आई बी टू माइनस आई बी वन और उसका मॉड्यूलस ले लो, तो जो रिजल्ट आएगा उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट, उसको हम बोलते हैं इनपुट ऑफसेट करंट। और अगर इन दोनों करंट्स को का एवरेज ले लो, यानी आई बी वन प्लस आई बी टू बाई टू, तो इसको हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट, इसको हम बोलते हैं इनपुट बायस करंट। तो पहले डेफिनेशन लिखो इनपुट ऑफसेट करंट की। सर आपने लिखा दिया, शायद आपने बोला था एक बार शायद। बेटा वो आउटपुट इनपुट ऑफसेट वोल्टेज था, हाँ अच्छा, करंट अलग इनपुट उससे ऑफसेट रिलेटेड ही। करंट लिखो उसमें। इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस, इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट इनटू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। सो प्लीज रिपीट। इट इज द एल्जेब्रिक डिफरेंस बिटवीन द करंट इनटू द इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ये फॉर्मूला उसका लिख लो, ठीक। ये डायग्राम भी कहीं पे बना देना, जहां पे भी तुम इनपुट ऑफसेट करंट और इनपुट बायस करंट लिख रहे हो वहां पे ये डायग्राम अपने लिए बना लेना, क्योंकि तो आई आई नॉट है क्या? हाँ आई आई नॉट है। अब इनपुट बायस करंट की डेफिनेशन लिख लो। इट इज द एवरेज, इट इज द एवरेज ऑफ द करंट दैट फ्लोज इनटू इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स। It is the average of the current that flow into the inverting and non-inverting terminals. ठीक, इसको as a formula लिख लो, IB is equal to IB1 plus IB2 by 2. Then इसको complete कर लो और सभी लोग अपनी अटेंडेंस मार्क कर दो, और जिनकी अटेंडेंस मार्क हो जाए
और ये कंप्लीट हो जाए और कोई डाउट ना हो, वो क्लास लीव करके नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। ये 120 dB। इसमें क्या है, डीबी कहाँ से आया है क्या? बेटा? डीबी मतलब होता है डेसिबल, एक यूनिट है बेटा, ठीक है? ओके हाँ, कई सारी जो यूनिटलेस चीजें होती हैं, जैसे सीएमआरआर में एडी और एसीएम का रेशियो है ना, ठीक, इसकी कोई यूनिट नहीं है, तो ऐसी चीजों को हम रिप्रेजेंट करने के लिए डीबी में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ओके okay. थैंक यू सर, थैंक यू सर।